बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। आज आप लोगों को बताऊंगा फुल पेन स्टोन सिंगल पीस बेसिन कैसे लगाते हैं। देखिए ये वाला बेसिन जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखिएगा। इसी तरह प्लम्बिंग का बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। कुछ इसके बारे में कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या नहीं तो इंस्टाग्राम पे आओ फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहले फ्लोरिंग का टाइल्स है उसको साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है बराबर से। अभी जो दिख रहे हैं ना एक पानी का पॉइंट है और एक आउटलेट ड्रेनेज पाइप का पॉइंट है, एक आधा इंच का सप्लाई लाइन है और एक 50 mm का आउटलेट पॉइंट है जो ग्रे का पाइप है। देखिए बेसिन यहाँ रखा हुआ है थर्मोकोल के अंदर कार्टून के अंदर क्योंकि कलर का काम चल रहा था, अगर ऐसे नहीं रखे तो टूट जाने का डर रहता है। बहुत ही संभल के काम करना पड़ता है क्योंकि देखो सेरामिक आइटम है और इसके अंदर थर्मोकोल रहता है, संभाल के रखना है निकाल के और इसको क्लीन कर लेना है। अगर ये बेसिन आप खरीदना चाहते हो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हो, खरीद सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। इसको सीधा करने के बाद में देखिए थर्मोकोल को ऊपर रखना है, पूरा का पूरा क्लीन करना है इसके। देखिए इसका ये जो दिख रहा है ना सिलिकॉन गन है, अगर सिलिकॉन यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है इसको, अगर आप खरीदना चाहते हो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाकर देख सकते हो, परचेस कर सकते हो, लेकिन सिलिकॉन यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है। देखिए पिलर कॉक है, इसका नट खोलने के बाद में हम चेक करेंगे जो बेसिन का बॉडी में जो पिलर कॉक का होल दिया हुआ है ये कितना कम्फर्ट है नहीं है देखेंगे हम लोग। देखिए पहले ये नट नट फ्री है, नट नहीं चलेगा, नट के लिए दूसरा कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, ऐसे इसका प्लेट लाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है देखिए ऊपर से और नीचे से कहीं से भी दो ना ये अपना काम आ जाएगा। एक्चुअली मुझे इसको नीचे से लगाना है तो क्या नल मजबूत हो जाए टाइट करने के बाद में। ये राइट हैंड में रहेगा जो घुमाने वाला है वो राइट दाएं साइड में रहेगा अपने दाएं हाथ में। कि इसका जो वाइसर ब्लैक कलर का वाइसर और SS का वाइसर दोनों टाइट कर देना है, तो टाइट कर लेना है बॉक्स माना लगा के। इसके बाद में कनेक्शन पाइप लगा देना है टाइट करते हुए, ऊपर नल को सीधा रखना है जो पीला पकड़ा उसको सीधा रखना है। इसके बाद देखिए वॉइस कपलिंग है, इसका दूसरे तरीके का वॉइस कपलिंग आता है और पोपा वॉइस कपलिंग आता है, ऊपर से फिनिशिंग रहता है। देखिए बेसिन के अंदर ओवरफ्लो दिया हुआ है, ओवरफ्लो दिया हुआ है इसके लिए देखिए पहले ओवरफ्लो का कटिंग करना पड़ेगा, इसमें ओवरफ्लो नहीं है। देखिए ओवरफ्लो का साइज जहाँ होल आ रहा है ओवरफ्लो का उस जगह पे कटिंग कर लेंगे तो क्या है ना पानी अगर ओवरफ्लो से जाता है तो उस जगह से होके मतलब आउटलेट में चला जाएगा, रुकेगा नहीं और सड़ेगा नहीं पानी, इसलिए ओवरफ्लो अगर आपको वॉइस कपलिंग नहीं है तो ऐसा कटिंग कर देना पड़ेगा थोड़ा सा जैसे पानी निकल जाए उसके अंदर से। अब देखिए बेसिन का जो आउटलेट जहाँ नीचे है बिल्कुल जहाँ नट टाइट होगा उस जगह पे मार्किंग मार लेना है आरी पत्ती से, फिर लेके आने के बाद में यहाँ पे टेबल टेप लगाना है इसके लिए, क्योंकि जो जो ओवरफ्लो का जो पानी आता है अगर टेबल टेप नहीं दोगे आप तो थ्रेड पकड़ते हुए पानी नीचे लीकेज करेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से लीकेज कर रहा है। देखिए ब्लैक कलर वाशर जाएगा टाइट हो जाएगा, फिर टेबल टेप टाइट होगा, फिर बराबर लीकेज बंद हो जाएगा इसका। देखिए इसको हिसाब से जिस जगह पे हमने ओवरफ्लो कटिंग किया ना उस जगह में उसी तरफ से डालना है। देखिए ओवरफ्लो जिस साइड से आया हुआ है इसका कटिंग भी उसी साइड होना चाहिए तो पानी आसानी से तुरंत निकल जाएगा। देखिए बराबर है। अब देखिए इसके अंदर सिलिकॉन देकर लगाना है क्योंकि ये तो नॉर्मल वॉइस कपलिंग है, इसको सिलिकॉन से लगाना है क्योंकि लीकेज के चक्कर नहीं रहता है और बाद में आसानी से खुल भी जाता है। देखिए सिलिकॉन बराबर से देना है जैसे ज़्यादा गंदा भी ना हो। देखिए जिस साइड में होल है उस साइड में बेसिन का ओवरफ्लो का भी होल उस साइड में है। और देखिए ऊपर नीचे से ब्लैक वाइसर और नट दोनों लेके जाना है और ऊपर से दबाते हुए टाइट करना है, नहीं तो वापस निकल के आ जाएगा। एक हाथ में ऊपर से दबाना है नीचे से टाइट करना है। ये टाइट होने के बाद में टाइट कर लेना है, थोड़ा पकड़ भी लगाना है क्योंकि हाथ से उतना टाइट नहीं हो पाएगा, थोड़ा पकड़ से लगा के, ये जो तपड़ी जगह पकड़ है सबसे बेस्ट रहता है पकड़ने के लिए, पकड़ में बराबर आता है। थोड़ा सा सिलिकॉन लेके ऊपर से थोड़ा घिस देना है, उसके बाद में कपड़े से साफ कर लेना है क्योंकि जो जॉइंट बाकी रहता है ना वो जॉइंट पूरा पूरा भर जाता है और जो कपड़े से आ जाता है वो ओवरफ्लो कपड़े में आ जाता है। देखिए आउटलेट दिख रहा है, इसमें बेसिन का वेस्ट पाइप है, इसको आप लगा देना है, इसको लगा देखिए घुमा घुमा के इसको लगा लेना पहले, फिर बाद में खींच कर खींच लेना है तो बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये अलग क्वालिटी का थोड़ा वेस्ट पाइप है, अब क्लाइंट जो ला के देते हो तो लगाना पड़ता है भाई, ना हाँ नहीं हाँ बोलेंगे तो फिर काम रुक जाएगा, अपना अपना टाइम ख़राब हो जाएगा।
इसके बाद में लॉन्ग बुश खोलने के बाद में अपना जो पानी का पॉइंट है, पानी पहले बंद करना पड़ेगा। देखिए ब्रास वाले ऊपर जो रखा हुआ है ना, उसको पहले क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद में टेपरॉन टेप, हैक्स निपल और फ्लांच। देखिए हैक्स निपल का जो स्लाइड रिंच पकड़ने वाला जो पान साइज होता है उसको बाहर रखना है, फ्लांच को अंदर देना है, क्योंकि उस जगह पे एंगल स्टॉप को नहीं लगा सकते, इसलिए उसको सीधा सीधा रखना पड़ेगा। देखिए इसको टाइट करने के बाद में, और नीचे का जो पाइप निकला हुआ है दीवार से, दीवार का फेस टू फेस काट लेना है, नहीं तो क्या है ना थोड़ा गंदा दिखेगा, इसलिए फेस टू फेस कर लेना है। फिर बेसिन को आराम से, क्योंकि देखिए बहुत ही आराम से काम करना पड़ता है, बहुत ही संभल के काम करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल पीस बेसिन है तो बहुत ही संभल के काम करना पड़ता है। देखिए बैक साइड में इसको कनेक्शन पाइप पहले कनेक्शन करना है, कनेक्शन करके टाइट कर लेना है सिलाई रेंज में। देखिए सिलाई रेंज में ज़्यादा टाइट नहीं करना, फिर नाट कट जाता है, बस जहाँ थोड़ा टाइट लगेगा वहाँ छोड़ देना है, क्योंकि वाशर रहता है लीकेज अपने आप बंद हो जाता है। नहीं तो ऑप्शन दूसरा बार रहता है कि खुला है, ये ओवरफ्लो का नोजल टाइप का है, इसको लगा देना है देखने में। अब बेसिन नट है ना, इसके लिए देखिए सामने के बाजू फ्लोरिंग से लग कर रहे, और पीछे के साइड में थोड़ा सा एक पैकिंग लगा देना है, कुछ भी हो छोटा सा, पैकिंग लगाने पर नट बंद हो जाएगा। फिर दोबारा सिलिकॉन मार देंगे, बेसिन को बिल्कुल पीछे टच कर देना है बेसिन का बॉडी को, ये जो नट है ना इसको तो बस पैकिंग लगा ठीक कर देंगे। इसके बाद में सिलिकॉन दे देना है चारों बाजू में। बहुत जल्दी 20,000 सब्सक्राइब होने जा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करो भाई को, 20,000 तक पहुँचाओ, और उम्मीद है 1 लाख तक आप लोग पहुँचा दोगे। और इसी तरह लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो। कॉर्नर बेसिन कैसे लगाते उसके बारे में वीडियो देखना, तो वीडियो लास्ट में आएगा, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही मस्त बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपको बहुत काम आएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखिए। मेरे वीडियो तब तक गुड बाय, जय हिंद, खुश रहिए। वीडियो जो आ रहा है कॉर्नर बेसिन को उसको देख के जाइएगा, बहुत ही आपका काम आने वाला है।